अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग, यू आर वॉचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाजिन, आज नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए बाहर भेजना है, और अगर भेजना है तो कैसे भेजना है, उसका तरीका कार क्या होगा, इसके लिए वजीर कानून फरोग नसीम साहब की जेर सदारत जो कैबिनेट की सब कमेटी थी, उसका पहला सेशन आज सुबह 10 बजे होता है, जिसमें नैब के रिप्रेजेंटेटिव और नवाज शरीफ के जो पर्सनल फिजिशियन है डॉक्टर अदनान और रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारर ने शिरकत की। और फिर कैबिनेट की इस सब कमेटी ने कहा कि नैब नवाज शरीफ से मुतालिक अपना वाज़े मौकफ पेश करे, जिस पर नैब की जानिब से कहा गया कि इंसानी बुनियादों पर नवाज शरीफ के बाहर के मुल्क इलाज पर हमें एतराज नहीं। सोर्सेस का यह भी कहना है कि नैब हकाम जो है वो सेशन में मुकम्मल रिकॉर्ड भी साथ नहीं लाए थे, जिस पर सेशन 3 घंटे जारी रहने के बाद मुलतवी किया गया, और कमेटी ने नैब के रवैये पर बरहमी का इजहार भी किया और बरहमी का इजहार करते हुए वाज़े मौकफ पेश करने की हिदायत भी की। उसके बाद सेशन का एक और सेशन होता है, लेकिन इस दूसरे सेशन में भी कोई नतीजा सामने नहीं आता। बाद में फेडरल कैबिनेट की जानिब से फैसला सामने आया कि नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मशरूत मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने होंगे, ये कंडीशनल मंजूरी दी गई है, और जमानत वजीर कानून फरोग नसीम की जानिब से शहबाज शरीफ के नुमाइंदे से मांगी गई है। अब सिक्योरिटी बॉन्ड्स की मद में तलब की जाने वाली जो रकम है वो 1.5 बिलियन रुपए शामिल है, उसके अलावा 15 मिलियन रुपए भी हैं चौधरी शुगर मिल्स केस के हवाले से भी बतौर जमानत तलब किए गए हैं। और रात को आज 9:30 बजे नवाज शरीफ की जानिब से इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या शरीफ फैमिली इस फैसले को एक्सेप्ट करती है। और जो तर्जुमान मुस्लिम लीग नून है मरियम औरंगजेब, उनका कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ती नजर आ रही है, और नवाज शरीफ को बाहर के मुल्क ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस कल लाहौर पहुंच जाएगी। नवाज शरीफ को सफर के लिए आज फिर स्टेरॉइड्स दे दिए गए हैं। तो दूसरी जानिब सदर आसिफ जरदारी के हवाले से भी, उनकी सेहत के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि उनके इलाज के लिए कराची मुंतकली की जो दरख्वास्त थी उनकी, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से मुस्तरद कर दी। और इस फैसले पर जरदारी साहब के वकील लतीफ खोसा साहब ने कहा कि एक मरीज को बाहर भिजवाने को तैयार है, और आसिफ जरदारी को अपना मुआले जो पर्सनल फिजिशियन है और मुल्क के में मर्जी का इलाज करने की इजाजत नहीं दी जा रही। अब आसिफ जरदारी साहब ने पहले कोई भीख मांगी ना अब मांगेंगे, ये लतीफ खोसा साहब के अल्फाज थे आज जरदारी साहब की सेहत को लेकर। साथ साथ हम जिक्र करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के धरने का। तो आजादी मार्च के अगले मरहले पर जो अमल दरामद है उसके लिए अभी तक JUIFA की जो मजलिस शूरा है उसमें मुशावरत का ही अमल जारी नजर आ रहा है, अभी तक कोई फाइनल स्ट्रेटजी सामने नहीं आई है। और जैसा कि कहा जा रहा था प्लान बी के तहत चौराहे ब्लॉक होंगी और मुलगीर हड़ताल होगी, तो उस पर ऐसा कुछ अमल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या इस प्लान बी को आगे बढ़ाने में मुश्किल पेश आएगी, और जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता और वजीर आजम का इस्तीफा नहीं आ जाता तो क्या ये एहतजाज जो है ये जारी रहेगा, किस रुख बैठेगा, हम इसको भी अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। और फिर ये भी कि JUIFA की जानिब से अभी तक कोई फाइनल डिसीजन क्यों नहीं किया जा रहा, और क्या आगे का उनका प्लान होगा। हम इससे पहले कि अपनी डिस्कशन का आगाज करें, हम अपने ऑनरेबल पैनल का आपसे इंट्रोडक्शन करवाते चले। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब चौधरी इखलाक साहब, मिनिस्टर ऑफ स्पेशल एजुकेशन पंजाब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। और उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब शाहिदा अख्तर अली साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, जमीयत उलमा इस्लाम फे से इनका ताल्लुक है। और हमें टेलीफोन लिंक पर कुछ देर में ज्वाइन करेंगे जनाब सेनेटर गयान चंद साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जैसा कि आपने देखा आज का पूरा रन डाउन, बल्कि सुबह से ही जो खबर जोर पकड़े रही वो नवाज शरीफ साहब की ECL से निकालने का मामला था, उनका नाम, और फिर फाइनली हमारे सामने जो डिसीजन आता है। 3 सेशंस किए जाते हैं फेडरल कैबिनेट की सब कमेटी की जानिब से, जो कि कहा जा रहा है कि इससे पहले कभी एक दिन में 3 सेशंस नहीं हुए हैं। अब देखना यह है कि जिन कंडीशंस के तहत मंजूरी दी गई है क्या ये कंडीशंस ड्यूएबल हैं, नून लीग जो है क्या श्योरिटी बॉन्ड्स और जो बैंक गारंटी मांगी जा रही है वो देती हुई नजर आएगी, और 9:30 बजे तक अब जवाब देना है। अगर आप लोग हमें इजाजत दें तो हम यहां पर नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव से ही आगाज करना चाहेंगे। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब,
अब ये जो हमारे सामने एक कंडीशनल अप्रूवल है जो नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने के लिए मंजूरी सामने है फेडरल कैबिनेट की सब कमेटी की जानिब से, तो क्या मुस्लिम लीग नून इस फैसले को कबूल करेगी? आपकी जानिब से अब क्या रद्द अमल होगा या क्या रिस्पॉन्स होगा? क्या आप फॉलो करेंगे इन कंडीशंस को जो अप्लाई की गई है इधर? रहमानिर्रहीम, देखिए नीलम नवाब साहब, एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर अर्जेंट जो है वो ज़रूरत है बाहर मुंतकिल करने की, और वो जो है उस पर किसी को कोई एम्बिगुइटी नहीं रह गई है, क्योंकि ये जो है कैबिनेट कमेटी ने भी अब सारा जो है उसको रिव्यू किया है थॉरली और बहुत अच्छे तरीके से, सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, सारे बोर्ड्स की रिकमेंडेशंस देखी हैं। जो गवर्नमेंट का बोर्ड है, जैसा कि कल प्रोविंशियल हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर है यास्मीन राशिद साहबा कह रही थी कि प्राइवेट बोर्ड की रिकमेंडेशंस तो गवर्नमेंट नहीं मानती, तो वो जो है आपकी गवर्नमेंट के जो है मेडिकल बोर्ड्स की भी रिपोर्ट्स आ गई, आपकी जो है प्राइवेट मेडिकल बोर्ड की भी रिपोर्ट्स आ गई, डॉक्टर्स जो अब्रॉड हैं उनकी भी रिपोर्ट्स आ गई, तो इसमें तो अब कोई जो है वो शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रही कि जो लोगों के जहनों में कई तरह के सवाल थे कि मियाँ साहब की सेहत के हवाले से, तो वो वाकई बहुत जो है वो इस वक्त जो है नाजुक सूरत हाल में हैं और उनको अर्जेंटली रिक्वायर्ड है ट्रीटमेंट, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कंटिन्यूस केयर जो है वो हमारे हम लैक करते हैं, क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर आई नो कि जहाँ पर ICU केयर लॉन्ग टर्म ज़रूरत पड़ती है, अंडर वन रूफ हमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। अब उस पर जो है PTI की हुकूमत का जो मैं ये वतीरा देख रहा हूँ कि पहले तो नैब के ऊपर उन्होंने डाला कि नैब अलाउ कर दे, फिर कोर्ट्स ने कहा कि हुकूमत अलाउ करे, अब हुकूमत के लिए जो है वो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। अच्छा, फिर रूमर्स उड़ाई गई कि शायद कोई डील हो गई है, कितने पैसे स्टेट बैंक में आ गए हैं, स्टेट बैंक में जो है वो फॉरेन रिजर्व्स इतने बढ़ गए हैं, तो यानी इस तरह की अफवाहें फैलाई गई ताकि लोगों को ये बताया जाए कि ये जो है किसी डील के नतीजे में मियाँ साहब जा रहे हैं। फैक्चुअली मियाँ साहब की उनको कंपेल करके पार्टी के सारे जो सीनियर अहदेदारान हैं उनके फैमिली मेम्बर्स ने कि लाइफ इज जो है वो उसको आप रिस्क पे ना डालें, वरना मियां साहब तो तैयार ही नहीं थे बाहर जाने पे। पूछ लेते हैं यहाँ पर मजबूर करके भी हम मौकफ लेंगे, बट हुकूमत की जानिब जाने से पहले हम अगर शाहिद अख्तर अली साहिबा आपका पर्सपेक्टिव ले लें, फिर हम हुकूमत का रिस्पॉन्स लेंगे। अब ये जो जमानत मांगी गई है श्योरिटी बॉन्ड्स के हैसियत में, बैंक गारंटी मांगी गई है और तकरीबन 7 अरब रुपए की कहा जा रहा है कि ये सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमानत के तौर पर जो है सबमिट करवाने होंगे, तो ये क्या जमानत इसलिए मांगी जा रही है कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाएंगे तो शायद वापस नहीं आएंगे? हमारे सामने जो है मिसालें मौजूद हैं, परवेज मुशर्रफ साहब भी गए तबीयत की खराबी का कहकर और फिर अभी तक वो वापस नहीं आए हैं, तो ये ऐसी जमानत अगर तलब की जा रही है जिसमें हुकूमत भी ये बता सके कि कोई NRO नहीं दिया जा रहा और कोई डील नहीं हो रही, तो ये क्या श्योरिटी बॉन्ड्स जो कि जमानत के तौर पर मांगे जा रहे हैं सिक्योरिटी बॉन्ड्स, ये जो है ये सही एक तरीका कार नजर आ रहा है यहाँ पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें असल में तो जो फैसला आया था कोर्ट की तरफ से और वज़रा और PTI के खुद गवर्नमेंट जो है पहले डील और इस तरह की बातें ये खुद कह रहे थे कि हम NRO नहीं देंगे, डील की बातें कर रहे थे, मुख्तलिफ कंफ्यूजन का शिकार गवर्नमेंट खुद है। सबसे पहले तो आप इस बात को एडमिट करेंगे कि ये फैसले में जो इतना डिले हुआ है अभी तक ये अपने डिसीजन पे फॉर्म नहीं थे, कहना कुछ चाह रहे थे करना कुछ चाह रहे थे, तो सबसे पहली कंफ्यूजन तो इन्होंने खुद ही पैदा कर दी। दूसरी बात यह है कि अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है जो कि होना भी चाहिए, वाकई उनकी कंडीशन सीरियस है जो डॉक्टर के बोर्ड है वो बता रहे, तो फिर तो इनको फौरन ही अलाउ कर देना चाहिए था। ECL से नाम हटाना गवर्नमेंट का काम है, इदारे भी कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, इतना डिले नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं श्योरिटी बॉन्ड, भाई उनके यहाँ पे रूट्स हैं, यहाँ पे उनकी जायदादें हैं, इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि आप ये समझे कि वो चले जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं। आपके सिक्योरिटी के भी और भी जराए होते हैं, इतने कलील वक्त में और सिक्योरिटी बॉन्ड का मुतालबा करना, मैं समझती हूँ अगर एक तरफ आप ह्यूमैनिटेरियन का रिस्क बात करते हैं तो दूसरी तरफ उनकी लाइफ जो है एट रिस्क है,
वहां से इतने शॉर्ट टाइम में इतनी बड़ी शर्त और इतनी बड़ी रकम का रखना, मैं समझती हूँ ये किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है मौजूदा हालात में। पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है चौधरी खलाक साहब, आपने ऑपोजिशन का पर्सपेक्टिव सुना, नून लीग का पर्सपेक्टिव सुना, आज का बड़ा जो है फैसला सामने है, फाइनली डिसाइड हुआ है कि नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल से निकाला जाएगा, कंडीशनल अप्रूवल दिया गया है और साथ में अब ये सिक्योरिटी बॉन्ड्स की शर्त रखी गई है। लेकिन अगर हम आपको थोड़ा सा माजी में लेकर जाए, कुछ दिन पहले ही हम देखते हैं कि अदालत से जब जमानत के वक्त जो श्योरिटी बॉन्ड्स हैं जमानती मचल के जमा करवाए गए थे इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट से मेडिकल ग्राउंड्स पर, और अब हम देख रहे हैं और ये जमानत हासिल की गई थी उन श्योरिटी बॉन्ड्स के बदले में, अब हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी बॉन्ड्स की जमानत मांगी जा रही है और 7 बिलियन रुपीज अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये कानूनी हैसियत में ये कंडीशन रखी गई है हुकूमत की जानिब से? आप डाउन द रोड आपके ऊपर क्या कोई सवाल उठ सकता है कि किस कानून के तहत ये हुकूमत की जानिब से कंडीशन रखी गई और ये जो बैंक गारंटी है ये मांगी गई? लॉज है क्या आप उसको सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं और हमारे सारे लोग, पूरी पार्टी, हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ को सेहत अताफ करे। उसके बाद जो अगली बातें मेरे कुलीग डॉक्टर मदर साहब ने की हैं या मेरी बहन जो बातें कर रही हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड है, इनको पीछे जाना पड़ेगा अपने हालात में। आज भी देखें ये अलमिया जो अभी भी 3 दफ़ा आज दिल्ली कमेटी की मीटिंग हुई है, काबीना की मीटिंग हुई है, ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसलिए हुई हैं कि इन लोगों ने अपने अदवार में कानून साधी नहीं की। हालांकि इन्हें बड़ा तजर्बा था एनआरओ का भी और बाकी चीज़ों का भी। इन्हें देखें आज गवर्नमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम है, अदालत का एहतराम है, नैब के अपने कवानीन हैं, अब ये सारे अदारे जो हैं इनके लिए एक कानून साधी की ज़रूरत थी। आज मियाँ नवाज शरीफ के लिए जितनी भी मेहनत की जा रही है या जितनी भी मीटिंग्स की जा रही हैं ये इसलिए हैं कि कानून क्लियर नहीं है। अगर इन लोगों ने अपने 35 साल दौर में ये काम किए होते, प्रोडक्शन ऑर्डर तक हमने बनाए हैं पंजाब असेंबली में, प्रोडक्शन ऑर्डर का कोई कानून नहीं था, तो हमें तो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं था। इनका बड़ा तजर्बा है एनआरओ का, डील लेके जाने का, फिर ये झूठ भी बोलते हैं कि हमने कोई मुआहदा नहीं किया, फिर आगे कहते हैं हमने 5 साल का मुआहदा किया था, फिर वो 10 साल का मुआहदा निकलता है। तो जो इनका बैकग्राउंड है, जो इनका बैकग्राउंड है वो हमें मजबूर कर रहा है। सब कमेटी ने ये जो फैसला किया है, ये जो सब कमेटी ने आपकी फैसला किया है, इसमें बाद में क्या हुकूमत जो है वो उसके लिए सवाल देना जो है वो सही होगा? आपके पास जवाबात मौजूद होंगे कि किस कानून के तहत आपने ये फैसला दिया, ये कंडीशनल अप्रूवल दिया और फिर जिस तरह से आप बैंक गारंटी मांग रहे हैं, क्या ये नीलम साहब मैं यही तो बात कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहे हैं, मैं यही तो बात आपसे कर रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने कुछ कवानीन बनाए होते तो आज इनको प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि इनकी तो रोजाना प्रैक्टिस है, हर 5-10 साल बाद इन्होंने आना जाना होता है, डीले लेनी होती है, एनआरओ लेने होते हैं, तो इनको चाहिए था कि अपनी मर्जी के जिस तरह बाकी इन्होंने कानून साधी की हुई है पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन अब आपने अपनी बचत के लिए कोई ऐसे कवानीन बनाए हैं या कवानीन पर अमल किया है कि आने वाले वक्तों में आपकी अपनी बचत होना भी बड़ी जरूरी है? दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। बहरहाल मूविंग ऑन, यहाँ पर सेनेटर गयान चंद, आने वाले वक्त में तो ये शरीफ बराबर आने वाले वक्त में, नीलम साहिबा आने वाले वक्त में तो पंजाबी में कहते हैं जिन्हें खादिया गाजरा उदे ढेड़ पीड़, जिन लोगों ने करप्शन करनी है, इस तरीके की लूट मार करनी है, उन लोगों को फिक्र होना चाहिए। हमारी हुकूमत इंशाल्लाह ताला आज 1.5 साल गुजर गया है, आइंदा भी जो टाइम गुजरेगा आप देखेंगे कि हमारी जो हुकूमत है। लीगल इश्यूज में आपको लीगैलिटीज को कंसिडरेशन में रखना चाहिए, इस पर पकड़ हो सकती है, इसमें करप्शन के मामला नहीं होंगे, लीगैलिटीज के इश्यूज होंगे। आज जो काबीना ने फैसला किया, आज जो काबीना ने आज का जो बड़ा फैसला हमारे सामने है जी, आपकी बात आ गई चौधरी खलाक साहब, हम आपकी जानिब आएंगे। ज्ञान चंद साहब, अब ये आज का जो फैसला है, कंडीशनल अप्रूवल दिया गया है, नवाज शरीफ साहब का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया है, उनसे जो है बैंक गारंटी मांगी गई है सिक्योरिटी बॉन्ड्स की सूरत में बैंक गारंटी, तो अब अगर शरीफ बरादरान जो है इस मामले को अदालत ले जाना चाहें तो क्या इतना वक्त है उनके पास कि वो इस पर अदालत से फौरी फैसला जो है कोई हासिल कर सके? क्योंकि कल तो एयर एम्बुलेंस जो है वो पहुंचने वाली है, तो क्या कहा जा सकता है कि हुकूमत ने शरीफ बरादरान के सामने जो अप्रूवल रखा है, जो कंडीशनल अप्रूवल रखा है, उस पर उनको अपनी तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने का टाइम दिया गया है?
ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, वो इंतहाई खतरनाक हद तक बीमार हैं और वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। यहाँ पे कंडीशंस रखी जा रहे हैं कि आपको जिंदगी बचानी है तो इतने पैसे दो। ये बहुत बुरी सूरत हाल है। हमारे मुल्क का अलमिया क्या रहा है? लियाकत अली खान को किसी कहीं पे गोली लग गई, जुल्फिकार अली भुट्टो को जुडिशियल मर्डर के तहत शहीद कर दिया गया, बेनजीर साहबा को दहशतगर्दी के नाम पे कत्ल कर दिया गया, अब नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड्स पे मेडिकल फैसिलिटीज ना देकर उनको अगर उनके हेल्थ को तबाह कर दिया जा रहा है तो ये बहुत अफसोसनाक सूरत है। इस वक्त में किसी कंडीशन की कोई जरूरत नहीं है, उनके सर्वाइवल का इशू है, उनकी हेल्थ बहुत खराब है। जरूरत इस बात की इस गवर्नमेंट को, इतनी कैबिनेट को इतना बहस नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स की आप बात करते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब को हेल्थ की फैसिलिटीज मिलने का राइट नहीं है? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो दो दफा तीन दफा प्राइम मिनिस्टर हो चुके हों, एक एक्स प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, उनको अपनी तरह से हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दी जा रही हैं। ये इल्जामात की बुनियाद पे आसिफ अली जरदारी भुगत रहे हैं, नवाज शरीफ भी अपने ना की ये यहाँ पे तो जवाब आपकी अपनी स्टेटमेंट में मौजूद है। आपने कहा थ्री टाइम प्राइम मिनिस्टर, तो उनको भी चाहिए था कि वो थ्री टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तो कम से कम ऐसा कोई स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल तो बना लेते जिसमें वो अपना इलाज जो है वो करवा सकते, कि आज उनको बाहर जाने की जरूरत पेश आ रही है। लेकिन यहाँ पर जी, लेकिन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे डॉक्टर नज़र इकबाल साहब। अब ये ना करें, ये बात ये है कि स्टेट ऑफ आर्ट अगर हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है तो उसका मकसद है कि उस प्राइम मिनिस्टर को आप इस तरह से जिंदगी देखें। वो प्राइम मिनिस्टर जरूर है लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता है वो। ये ह्यूमैनिटेरियन बेस जो है वो कैदियों की लैदा होती है और आम सिटीजन की लैदा होती है। मेडिकल ग्राउंड पर उनको फैसिलिटीज तो प्रोवाइड की जा रही है और फर्स्ट टाइम हुआ है। एक आम शहरी की आम शहरी के राइट डिफरेंट है और एक सजा याफ्ता आदमी के राइट डिफरेंट है। एक सजा याफ्ता आदमी के राइट डिफरेंट है और एक ह्यूमैनिटेरियन बेस पे उनको दी जाती है। हम आपकी जानिब आएंगे, चौधरी खलाक साहब आपकी जानिब भी आएंगे। आपकी जानिब जब आए तो आप लोग प्लीज उस वक्त रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हम यहाँ पर डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब, अब ये जो इस वक्त हमारे सामने मामलात नजर आ रहे हैं, अगर नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये जमानत नहीं जमा करवाई जाती और कहा जाता अगर टाइम कम है ओवरनाइट जो है इतनी अमाउंट का अरेंज करना, तो क्या आपकी पार्टी अब जो 9:30 बजे जवाब देगी, इसमें क्या आपको मामलात होते हुए नजर आएंगे? क्या अमाउंट पे कर दी जाएगी, अग्री कर लिया जाएगा और कल हमें जो है नवाज शरीफ साहब मुल्क से जाते हुए नजर आएंगे, उनकी रवानगी होती नजर आएगी, या आप इसमें कुछ कोई रिजर्वेशन शो करेंगे कि इसमें कुछ फ्लेक्सिबल? देखिए बिल्कुल ये जो है गैर इंसानी तरीका कार है कि एक शख्स जो है जिससे डायर नीड है मेडिकल ट्रीटमेंट की, आप उसको 11th hour पे, जबकि जो है असूली तौर पे आप उसको पहले क्लियर भी कर चुके हैं कि हमें कोई इतराज़ नहीं है उनके बाहर जाने पर, और फिर आपके जो है वो ऑल ऑफ ए सडन एक जो है ख्याल आता है कि भई हमें पब्लिक में भी कुछ सुरखरू होए कि हम लोगों को बता सकें कि हमने जो है ये इतने सिक्योरिटी बॉन्ड और इतने पैसे रिकवर कर लिए हैं। पहले तो रूमर्स के सहारे इन्होंने ये कोशिश की कि अफवाह साजी की फैक्ट्रियाँ इनकी बेतहाशा हैं कि उनके ज़रिए इन्होंने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की, जब उसमें नाकाम हुए तो अब इन्होंने ये एक शर्त रख दी है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक जो है वो गैर अखलाकी और एक गैर इंसानी जो है वो एक, क्योंकि इतने शॉर्टेस्ट टाइम में कि अदालत का टाइम देखें, शाम को मीटिंग ख़त्म हुई है और अब आप उनको कह रहे हैं कि वो इतने बॉन्ड्स का अरेंज कर दें, मेरा नहीं ख्याल इट्स पॉसिबल और ये क्यों ह्यूमनली पॉसिबल है या किसी भी फैमिली के लिए जो कि जो है वो इतने श्योरिटी बॉन्ड्स भर दें। अब ये देखते हैं कि इस पे रिस्पांस क्या आता है पार्टी का। मेरा ख्याल है यहाँ पर यहाँ पर जो लीगैलिटीज हैं कुछ इसमें, ये जो अब अमाउंट है तकरीबन 7 अरब रुपए बताई जा रही है, तो इसमें शायदा साहिबा क्या जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्लेम की जा सकती हैं, जो पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो हमें रखवाते हुए नजर आएंगे इस अमाउंट के अगेंस्ट? क्या वो सिक्योरिटी के तौर पर जो है प्रॉपर्टीज जो है वो रखवाई जाएंगी? ये तो इनकी फैमिली सही तरह बता सकती है, क्योंकि जितना मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि हम हर कीमत पे इनका इलाज करवाना चाहते हैं, तो वही ज्यादा अच्छी तरीके से इसको बयान कर सकते हैं। लेकिन जितना मैं समझती हूँ तो डेफिनेटली ये चीजें जो है वो आपके एज अ श्योरिटी में मेंशन की जा सकती हैं।
और वो अब डिपेंड करता है कि अब ये जो 9 वर्ष के बाद का जो फैसला होगा कि वो इस पे क्या राय देते हैं। ऑलराइट, देखेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज जो है, चौधरी शुगर मिल्स हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स हैं, लेट्स सी कि किस किस्म की जो है सिक्योरिटी रखवाई जाती है। लेकिन चौधरी अखलाक साहब, यहां पर अगर पीटीआई की बात कर ली जाए तो हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से पहले ताने दिए गए मुस्लिम लीग नून को कि उन्होंने मुशर्रफ को बाहर भेजा, फिर खान साहब की सेवरल स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, और वो तो यहां तक कह गए कि जेल से एसी भी उतरवा दूंगा। तो अब ये जो है ये फैसला आना, तो क्या आपको नहीं लगता है कि खान साहब और उनकी जो कैबिनेट है वो फुली शायद ऑन बोर्ड नजर नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जाए, और अब अगर वो बाहर चले जाते हैं तो फिर आप लोगों का जो नैरेटिव था अकाउंटेबिलिटी का और एनआरओ ना देने का, क्या आपको नहीं लगता कि वो तमाम नैरेटिव जो है वो तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगा? नहीं, कोई ऐसा ना एनआरओ हो रहा है ना कोई ऐसी ढील दी जा रही है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट है गवर्नमेंट उसी पर स्टैंड कर रही है, लेकिन ये जो प्योरली इनकी सेहत के बारे में, इनके इलाज के बारे में गवर्नमेंट इनको इजाज़त दे रही है, और इसीलिए ये सिक्योरिटीज भी रखी जा रही हैं कि ये इनका माजी अच्छा नहीं है, ये माजी में भी एनआरओ करके झूठ बोलते हैं, इसलिए सिक्योरिटीज रखी जा रही हैं कि इनका वापस आना लाजमी हो। और बाकी जो 7 अरब या 6 अरब रुपये ये तो इनके फलूदे वाले, इनके इनके चौकीदारों के अकाउंट में रखे हुए हैं इनके पैसे इतने, ये 5-7 अरब रुपया तो इनके आम गार्ड चौकीदार आप देख ले मंजूर के अकाउंट में, फलां के अकाउंट में रखा हुआ है, इनके लिए अमाउंट को नहीं, हमारा पैसा है ये 6-7 अरब जो सिक्योरिटी भी ले रहे हैं, ये हमारा पाकिस्तानी कौम का पैसा है, ये मियाँ फैमिली का पैसा नहीं जो हम सिक्योरिटी के तौर पर ले रहे हैं, और ये इसीलिए ले रहे हैं कि कम अज कम कुछ तो बाइंड इन पर रहे कि ये इलाज करवा कर सेहतमंद होकर वापस आकर अपने जो मुकदमे हैं उनका सामना करें, जो उन्हें सजा याफ्ता हैं। और मेरे भाई जो पीपल्स पार्टी से कह रहे थे जी कि इंसानी हकूक पे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जो हकूक होते हैं एक आम शहरी के और एक सजा याफ्ता आदमी के हकूक डिफरेंट होते हैं। हमें बाकी भी आज जेलों में देख रहे हैं जो हज़ारों लोग छोटी छोटी चोरियों में बीमार पड़े हुए हैं, छोटे छोटे जराय में पड़े हुए हैं। कल ही हाईकोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त मूव हुई है कि जी 10,000 बंदे बीमारी के इलाज पर बीमारी की वजह से वो ज़्यादा चाह रहे हैं। हुकूमत के लिए दोनों तरफ देखना पड़ता है, अगर हम उन्हें कानून उनको भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर ये भी मालूम करेंगे कि क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी की कोई डेट जो है वो भी दी गई है, और अगर दी गई है तो क्या दी गई है, और अगर नहीं दी जा रही तो क्या वजह है कि नहीं दी गई। स्टे विद अस, वी बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे आज जो बड़ी खबर सामने आती है नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाल दिया जाता है, कंडीशनल परमिशन दी जाती है, सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमानत के तौर पर जिनकी वर्थ तकरीबन 7 बिलियन रुपीस बताई जा रही है वो जमा करवाने होंगे। अब सवालात ये सामने हैं कि क्या नाम ECL से निकालना वजीर आजम के सवाबदीदी इख्तियारात में शामिल है या नहीं, और अगर है तो वजीर आजम इमरान खान ने क्या ये फैसला खुद किया है, और अगर खुद फैसला नहीं किया तो वो खुद फैसला क्यों नहीं कर पा रहे, और फिर क्या हुकूमत ECL कानून के ताबे है जिसमें नवाज शरीफ को इजाजत देने या ना देने का मामला भी शामिल है, और क्या किसी मुजरिम को सिक्योरिटी बॉन्ड्स और बैंक गारंटी के साथ वजारत दाखिला की जानिब से बाहर जाने की इजाजत दी भी जा सकती है या नहीं, और क्या ऐसे पहले किसी को भेजा गया है, ये तमाम वो सवालात हैं जो सामने आ रहे हैं। और फिर जो ECL एक्ट 2010 है उसमें इस किस्म की कंडीशनैलिटी का कोई जिक्र है या नहीं है, और क्या कल को हुकूमत इस मामले पर मुश्किलात का शिकार होती नजर आएगी, किसी किस्म की कोई कानूनी कॉम्प्लिकेशन जो है वो हुकूमत के लिए चैलेंज बनती नजर आएगी, और फिर सब कमेटी की जानिब से आज बार बार नैब को कहा जाता रहा कि वो लिख कर दें कि आप नवाज शरीफ का नाम निकालने की इजाजत देते हैं। तासुर ये जा रहा है कि दोनों एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे हैं कि वो फैसला करें, अब 8 हफ्तों में से 1 हफ्ता ऑलरेडी गुजर भी चुका है। हम इन्हीं तमाम मामलों को अंडर डिस्कशन लेकर आ रहे हैं। यहां पर ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो सवाल उठाए थे सेनेटर ज्ञानचंद साहब, अगर ये जो तमाम मामला जैसे कि हमने आपके सामने अभी रखे हैं, और जो फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं आज उन्होंने भी स्टेटमेंट दी कि इमरान साहब जो हैं अकेले फैसला नहीं करते, इसलिए ये जो आज नवाज शरीफ साहब के हवाले से फैसला हुआ है ये सबकी मुशावरत से हुआ है, तो अब क्या ECL से नाम निकालना एक वजीर आजम के अपने सवाबदीदी इख्तियारात में शामिल है, और अगर है तो फिर वजीर आजम इमरान खान साहब जो है वो खुद फैसला क्यों नहीं कर पाए? देखिए इमरान खान तो वो कठपुतली जब हम कहते हैं तो उनके फैसले होते ही नहीं है, उसके कहीं से डोरियां हिलती हैं तो फैसले होते हैं, लेकिन
इस किस्म का कंडीशनल फैसला कि भाई आपको अगर लाइफ सेविंग के लिए ट्रीटमेंट मिलनी है तो आप इतने पैसे दे दो, ये बहुत बहुत अफसोसनाक फैसला हुआ है। इनको चाहिए था, वो उनको जब बेल दे दी गई है तो बेल देने के बाद उनको छोड़ दिया। हमारे परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो कितने केसेस में थे, वो भी बाहर चुके जा चुके हैं। फिर इनकी प्रॉपर्टीज, बाकी चीजें जो यहाँ पे पड़ी हुई है, हेल्थ फैसिलिटीज ना देने की वजह से वो जब जेल में बैठे हुए थे तो उनकी हेल्थ के ये इतने इश्यू नहीं थे जितने जब नैब में गए उसके बाद हुए। अब जो जब हम आसिफ अली जरदारी की हेल्थ की बात करते हैं तो क्या उनको अस्पताल से जबरदस्ती जेल नहीं भेजा गया? आप पाकिस्तान में उनको हेल्थ फैसिलिटी ना प्रोवाइड करके उनके जिंदगी को खतरे में डाल दें, एक बात यह है। दूसरी यह कि प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट, अगर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं फैसला कर पा रहे हैं, क्या उनकी ईगो खराब हो रही है? क्या उन्होंने ये पहली दफा झूठ बोलेंगे के? क्या पहली दफा ये यू टर्न लेंगे? ये जो कह रहे हैं ना कि फालूदे वाले को कितने पैसे आपके अकाउंट में आ गए फालूदे वाले के उसके उसके, ये पूरा का पूरा झूठ का पलदा बन चुका है। इमरान खान ने कौन कौन सी बातें नहीं की जिसपे अमल किया है? एक भी बात पे उन्होंने अमल नहीं किया, हर बात पे यू ऐसे करते हैं। अब भी इनको क्यों डिले करा रहे हैं? अगर हेल्थ फैसिलिटीज का फौरी फैसला करना, पहले कहते थे ये ड्रामा कर रहा है, इनके प्लैंडनेस कम हो रहे हैं। ये अजीब किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने मुल्क के अपोनेंट पार्टीज के इतने बड़े लीडर को उनकी सेहत के हवाले से फिक्र नहीं। साहब की हेल्थ अपडेट अभी आएंगे जो आज उनके वकील लतीफ खोसा साहब की जानिब से बात की गई है, लेकिन यहाँ पर आगे मूव ऑन करने से पहले चौधरी खलाक साहब, अब ये जो सवालात सामने आ रहे हैं आज के इस कंडीशनल परमिशन के हवाले से कि क्या हुकूमत ईसीएल कानून के ताबे है जिसमें नवाज शरीफ को इजाजत देने या ना देने का मामला शामिल है, और फिर क्या किसी मुजरिम को सिक्योरिटी बॉन्ड्स और बैंक गारंटी के साथ इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से, मिनिस्ट्री की जानिब से बाहर जाने की इजाजत दी जा सकती है? क्या पहले भी ऐसे किया गया है, भेजा गया है या नहीं, क्या फरमाइएगा? देखिए नीलम साहब, मैं पहले भी यही कह रहा था कि ये बेहतर तो राय कोई कानूनदान ही दे सकते हैं या कानूनी ज़ेली कमेटी जो फ़रोग नसीम साहब की ज़ेरे निगरानी आज तीन दफ़ा उनका सेशन हो चुका है, लीगल ओपिनियन तो वही दे सकते हैं। आज हुकूमत ने जो ये सिक्योरिटीज रखी हैं, यह हो सकता है कोई टेक्निकल चीज़ें उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से या लॉ इनसे कंसल्ट करके ये की होंगी, इसीलिए ये चीज़ें चल रही हैं। अगर ये इन लोगों ने अपने दौर में लेजिस्लेशन की होती तो आज ये प्रॉब्लम ना होती। यही मैंने पहले आपके प्रोग्राम में स्टार्ट में बात की है कि ये चीज़ें इन लोगों ने प्रैक्टिकली अपने टेन्योर्स में देखी हैं। इनको चाहिए था कि परवेज मुशर्रफ को भेजा था, उसके बारे में जो कॉन्सिक्वेंसेज आए, जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं या आने हैं, इनको इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनका यही काम है पैसा बनाना, डीले लेनी, जाना जुना। तो इनको चाहिए था कि जिस तरह बाकी कानून इन्होंने बनाए हैं मुकमका करके, इनको इसमें भी प्रोविजन रखनी थी। और मेरे भाई जो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि आज तक क्या इन्होंने इकट्ठा किया है, 71 बिलियन जो है नैब के चेयरमैन की फिगर है कि जो नैब ने रिकवरी की है, और ये उन लोगों से ही है जिन लोगों ने यहाँ का माल चोरी किया हुआ है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आसिफ अली जरदारी का केस जो है वो ऑलमोस्ट इनसे डिफरेंट है। आज उन्हें देखें, उन्हें पिम्स में भी रखा गया, जब भी उनकी एप्लीकेशन दी गई है उन्हें हेल्थ केयर का भी दिया गया है। मियाँ नवाज शरीफ को, इवन मियाँ नवाज शरीफ को जमानत के बाद भी वो सरसिद हॉस्पिटल में रहे कि वो कह रही मैं इलाज से मुतमिन हूँ, डॉक्टर यास्मीन राशिद उनसे मिलती नहीं। तो उन्हें ट्रीटमेंट के लिहाज से जो सहूलतें 35 साल में, पिछले 35 ईयर्स में पीपल्स पार्टी और नून ने मिलाई है, वही फैसिलिटीज हमने देनी है ना। एक साल में तो हमने इनके लिए हॉस्पिटल नहीं बना देने थे कि इनके एक छत के नीचे इलाज होते, क्योंकि इनका शुरू से ही पाकिस्तान में ना रहना है, ना खाना है, ना पीना है, ना रहना है इन्होंने। इनके सारी फैमिली के इलाज, हर चीज़ बाहर है। और जो आप कह रहे हैं सिक्योरिटी हमारी गवर्नमेंट क्यों रख रही है, इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, अभी भी देख लें इनके दौर के केस हैं, हमारे बनाए केस नहीं है। ना आज साकदार वापस आ रहा है, ना मियाँ शहबाज शरीफ के बच्चे वापस आ रहे हैं, ना मियाँ नवाज शरीफ के बच्चे वापस आ रहे हैं। इनके अपने दौर के केसेस हैं, उन केसेस को ये फेस करने या अदालतों के सामने पेश नहीं हो रहे। तो बाकी मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या तवक्को करते हैं, ये तो डीले करके जाने के आदी हैं। ये तो पूरे आप पिछला रिकॉर्ड देखें, पूरे पूरे बक्से लेके गए, 40-40 बक्से भर के गए साथ ही। ऑलराइट,
ठीक है, आपका आपका पर्सपेक्टिव आ गया। डॉक्टर मुसर इकबाल साहब, अब यहाँ पर नून लीग को ये भी कहा गया है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी वापसी की डेट भी बताई जाए, और आपकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो तो जब इलाज शुरू होगा तो तब जो है वापसी की कोई हमें आउटलाइन सामने आएगी, 9:30 बजे तक एक क्लियर पोजिशन सामने आ जाएगी। लेकिन जाहिर बात है जो प्रीवियस केसेज है उसमें जो भी इलाज के लिए बाहर गया वो वापस आता हुआ नजर नहीं आया है, तो क्या यहाँ पर नवाज शरीफ साहब को जो 8 हफ्तों की मोहलत दी गई है इसके बाद का रोड मैप क्या होगा? आप लोग कहाँ अप्लाई करेंगे? आप क्या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के पास जाएंगे? जैसा कि फैसले में कहा गया है कोर्ट्स की जानिब से, उन्होंने ये भी कहा है कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत जो है वो भी फैसला कर सकती है, और फिर वापसी की कोई डेडलाइन जो है वो सामने आती भी नजर आएगी। देखिए, ये तो जो है इलाज पे मुनहसर है कि उनकी तबीयत कब बहाल होती है और डॉक्टर्स कब उनको अलाउ करते हैं, और अगर डिले होगी तो नेचुरली अदालत से रजू किया जाएगा, क्योंकि ये जो वफाकी हुकूमत से तो ECL के हवाले से रजू किया गया है कि उनकी ये स्वाबदीद है। लेकिन ये है कि अदालत भी इस पर फैसला कर सकती थी, लेकिन उन्होंने हुकूमत पर छोड़ दिया ताकि हुकूमत की कोई तशनगी बाकी ना रह जाए, और हुकूमत देखते हैं अब कितना वाइजली चलती है। अभी तक तो ये जो स्टेप्स इन्होंने लिए हैं इंतहाई अनवाइज हैं, और इसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी सामने आ सकते हैं जो कि हुकूमत को मद्देनज़र रखने चाहिए। और ये जो है, और मियाँ साहब की अपनी आप हिस्ट्री देखें कि उन्होंने कभी भी हमेशा जो है कोशिश की है, अभी भी जो आए हैं उस वक्त भी बहुत प्रेशर था उन पर कि वो ना आए। जब वो इलाज के लिए गए उनको मैसेजेस किए गए कि आप ना आए। आपको याद होगा कि जब वो बाईपास सर्जरी के लिए गए, जब वो अपनी हार्ट की जो है रिदम को ठीक कराने के लिए गए, उस वक्त भी पूरी तरह यहाँ पर मीडिया में शोर और तूफान बरपा था कि मियाँ साहब अब वापस नहीं आएंगे, और फिर मियाँ साहब आए, फिर दोबारा वो आए जब अपनी अहलिया को वो इतनी जो है सेहत की ख़राब सूरत हाल में छोड़ के इलेक्शन से पहले वो आए अपनी बेटी के हमरा। तो मेरा ख्याल है उनका अगर पर्सनल रिकॉर्ड देखें तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनको ऐसी कोई जो है शक और शुबे वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब तो खुद नहीं जाना चाह रहे। मियाँ साहब का मैं आपको बताऊँ फैक्चुअली, अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट उनकी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रही है, उनके डॉक्टर्स उनको कह रहे हैं कि आपका ज़िंदगी का सवाल है और उनको ले जाया जा रहा है, अदरवाइज ही इज नॉट विलिंग टू गो अब्रॉड, और अगर वो जाते भी हैं तो वो इनको बॉन्ड शॉन्ड्स की जरूरत नहीं है, वो तो खुद आएंगे क्योंकि उनके इतने स्टेक्स आई हैं। इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर कौन है इस मुल्क में, आप मुझे ये बताएं? मियां नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI कहीं नजर आती है आपको ग्राउंड्स पे? आज इलेक्शन करवा लें आप, ये जो जेली माइंडेड वाले लोग हैं ये एक बंदा नजर नहीं आएगा। ये तो इनकी खुशकिस्मती है कि ये जो है इस हालात में मियाँ साहब की सेहत जो है वो नासाज है, अदरवाइज और ये जो है इनके तो छिक्के छूट जाएं अगर मियाँ साहब आज बाहर आ जाएं, और ये सारे प्रोग्राम जारी पाएंगे। हमने धरने को भी कवर करना है, लेकिन यहाँ पर क्विकली सेनेटर साहब, आज जो हम देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की जानिब से जरदारी साहब की जो इलाज के लिए कराची ट्रांसफर करने की प्ली थी, दरख्वास्त थी, वो मुस्तरद कर दी गई है, तो अब इस फैसले को किस तरह से देख रही है पीपल्स पार्टी? और फिर जरदारी साहब के वकील लतीफ खोसा साहब का कहना था कि एक मरीज को तो इलाज के लिए बैरून मुल्क तक भेजा जा रहा है, जबकि आसिफ जरदारी को अपने ही डॉक्टर से इलाज की इजाजत नहीं दी जा रही, तो आसिफ जरदारी ने इलाज के लिए ना पहले भीख मांगी है ना अब मांगेंगे, क्या आप इस केस को मजीद आगे परसू करते नजर आएंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी की रवायत ये रही है कि गर्दन कटवा तो सकते हैं, झुका नहीं सकते, और वो जरदारी साहब कभी कभी झुकेंगे नहीं, कभी भीख नहीं मांगेंगे, चाहे उनको जिंदगी से ही खेलना क्यों ना पड़े, ये हमें यकीन है और वो उन्होंने साबित करके दिखाया। दूसरी बात यह है कि वो हेल्थ फैसिलिटीज के लिए सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे, हमारे साथ तो ज्यादा ये है कि केसेस आपने कराची में बनाए और हमारी ट्रायल इधर इस्लामाबाद में हो रही है, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी के जो भी लीडरशिप है उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ है? हम फिर भी चैलेंजेस को फेस करते हैं, और इस मुल्क के आम लोगों के लिए, इस मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए हमारा जो मौकफ है आज भी क्लियर है। तो यहाँ के मुल्क के जो हुक्मरान हैं, मुल्क के जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको सोचना चाहिए कि यहाँ के लोगों को आप गुलाम बनाकर, यहाँ के लोगों को आप इस तरह से, जैसे आज फैसला है ना, अगर पैसे दो तो इलाज होगा, ये ब्लैकमेलिंग है क्या? नवाज शरीफ के पास एक ऑप्शन है कि आपकी जिंदगी बचानी है तो पैसे दो। अब रिस्पॉन्ड टाइम दे देते हैं यहाँ पर चौधरी अखलाक साहब, आपको, आप अगर क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें कि आसिफ जरदारी साहब की प्ली क्यों आज
मुस्तरद कर दी जाती है, जबकि वो कराची में अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वेस्ट करते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा कि लतीफ खोसा साहब कह रहे हैं कि एक को तो बाहर के मुल्क भेजने के लिए रजामंदी है, दूसरे को जो है अपने ही डॉक्टर से इलाज के लिए इजाजत नहीं दी जा रही। मेरा जाती ख्याल तो ये है कि उनके जो आसफ अली जरदारी साहब के डॉक्टर है वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, उन्हें जरा सी भी तकलीफ होती है तो पिम्स में उन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि आसफ अली जरदारी साहब को इस्लामाबाद में ही इलाज करवाना चाहिए। कराची में तो कुत्ते काटने से 26 बंदे मर गए हैं, वहां तो ये हालात हैं कि वो सिंध में जो हुकूमत है वो तो कुत्ते काटने से बंदे मार रहे हैं। तो मेरा ख्याल जो आसफ अली जरदारी साहब की टेक केयर आसफ अली जरदारी साहब की टेक केयर इस्लामाबाद में हो रही है, उससे बेहतर इलाज मैं इस हक में हूँ कि उन्हें भी जो तिबी सहूलियात हैं आसफ अली जरदारी साहब को देनी चाहिए। एक्स प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, उन्हें भी जो इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं उन्हें पूरी देनी चाहिए। ये तो मेरा जाती ख्याल है कि जो सिंध में पिछले 10 साल से 15 साल से इलाज के हॉस्पिटल के हालात हैं उनसे बेहतर है कि वो इस्लामाबाद में रहें, इधर उनका इलाज बेहतर होगा। वहां तो बुरा हाल है, कचरा नहीं उठा सके कराची से, कराची की तो एनवायरमेंट ही नहीं है इलाज वाली। बहरहाल ठीक है, कराची में तो इलाज की एनवायरमेंट ही नहीं है। साहिबा हम अगर चौधरी साहब आपका पर्सपेक्टिव आ गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब के प्लान बी की अगर हम बात करें यहाँ पर शायदा साहिबा, तो कल से हम देख रहे हैं कि मुशावरत जारी है कि इतलात है आप लोगों का जो प्लान बी था उसके मुताबिक आपने मेजर रोड ब्लॉक्स करने थे और आपकी जो सूबाई जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी एडमिनिस्ट्रेशन थी आपकी जमात की उसको भी अहकाम दे दिए गए थे और जो स्ट्राइक्स थी वो होनी थी, लेकिन अभी तक इस हवाले से कोई फाइनल फैसला जो है वो सामने आता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आपके ख्याल में क्या JUFA की जानिब से फैसला ताखीर का शिकार है? अगर डिले हो रहा है तो ये डिले क्यों हो रहा है? नहीं जी, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि डिले हो रहे हैं। हमारा मशावती इजलास कल भी हुआ है, आज भी हुआ है और फर्दर हम सूबों से मुसलसल रबते में है, वहां से ये इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी हमारा मशावती इजलास कंटिन्यू है, ये एक दो दिन पे नहीं है, हमारा फैसला उसी तरह हम अपने फैसले पे कायम है। लेकिन इससे पहले अभी ये जो हॉनेस्ट रिजीम के मैं बात करूं जो मौजूदा हुकूमत दावे कर रही है, तो मैं तो समझती हूँ ये एहतसाब बराए इंतकाम हो रहा है। ये एहतसाब अपोजिशन की तरफ क्यों हो रहा है? अगर मैं केसेस को लेके चलूं जो कि KPK के हवाले से है कि तो BRT के केस का क्या बना है, बिलियन ट्री के दर गया, आपका मालम जबर क्या, उसकी क्या पोजीशन है, फॉरेन फंडिंग केस जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मौजूदा हुकूमत हाईकोर्ट में गई है उसको डिले कर रही है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन इसलिए दी गई है कि आप उसको ना ओपन करें, तो कहाँ गया इनका ये हॉनेस्ट रिजीम? क्या ये मेंबरान जो इनके बैठे हुए हैं नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल और सेनेट में, क्या ये ऐसी लेजिस्लेशन लेके आएंगे कि कल जिसके लिए ये जवाबदेह होंगे? ये मैं समझती हूँ कि लीगैलिटी पे अगर हम जाएंगे तो मुझे तो कोई ऐसी सूरत सामने नहीं आती कि जब आपको अदालत से रिलीफ मिलता है और आप श्योरिटी अदालत में जमा करते हैं उसके बावजूद अगर आप एक इंसानी जिंदगी का मसला है और एट दी 11th आवर इतनी बड़ी रकम एक कलील मुद्दत में एक कलील टाइम में आप रखते हैं तो ये फिर कहाँ का गुड जस्टिस है और कहाँ पे आपका ग्राउंड पे हम फैसला समझते हैं? क्या आपको लगता है कि पिछले दो दिन से हम देख रहे हैं कि पिछले दो दिन से जो नवाज शरीफ साहब हैं उनके ECL से नाम निकलने का मामला, उनकी सेहत का मामला, वो जो है लाइमलाइट में, मेजर लाइमलाइट में वो नजर आ रहा है, आता हुआ नजर आ रहा है, और जो आपका धरना है मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो कहीं बैकग्राउंड में चला गया है, तो क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत ने जो है वो ओवरशैडो कर दिया आपके धरने को और तमाम तवज्जो जो है वो नवाज शरीफ साहब की तरफ जा चुकी है इस वक्त? नहीं जी, मैं इसको ये इसलिए नहीं समझती कि हम तो खुद गवर्नमेंट ने तो मुजाकराती कमेटी बनाई और जिसकी नॉन सीरियसनेस को देखते हुए हमने मुजाकराती अमल उसके जो है उस पर क्वेश्चन मार्क किया है उनकी तरफ, जब तक के हमारे जो हमारे अपने मुतालबा है गवर्नमेंट इसमें सीरियस नहीं होगी, आप ये ना समझे कि हमारी ये तहरीक एक दो दिनों में खत्म होने वाली, हमारा मार जो है ये एक तहरीक है और इंशाल्लाह तहरीक का असर होके रहेगा, हम प्लान बी का सीरियसली सोच रहे हैं, विद इन अ फ्यू डेज आप देखेंगे कि इंशाल्लाह उसमें हम कार फरमा होंगे।
ऑलराइट, यहाँ पर डॉक्टर बसर इकबाल साहब के, अब ये जो JUIF का प्लान भी है उसमें क्या आपकी जमात या पीपल्स पार्टी की जमात जो है वो साथ देती हुई नजर आएंगी? क्या आप लोग भी रोड्स ब्लॉक करेंगे और जो शटर डाउन स्ट्राइक की बात हो रही है, हड़तालों की बात हो रही है, क्या आप भी JUIF के साथ खड़े हुए नजर आएंगे उसके इस प्लान बी में? देखिए, ये अभी हुकूमत अमली तय नहीं की गई है, क्योंकि उस वक्त जो फैसला हुआ था वो यही था कि इनकी अखलाकी तौर पर भरपूर हमायत की जाएगी और इनके जो है जलसे में भरपूर शिरकत की जाएगी और मॉरली इनको सपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद जो है वो हालात के मुताबिक फैसले होने थे, क्योंकि मियाँ साहब की सेहत के हवाले से जो है वो काफ़ी सारे फैसले पेंडिंग में चले गए और अभी भी जो है वो सारा जो है वो जो तवज्जो जो है वो उसी तरफ मरकूज़ है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के जो अगेंस्ट जितने डिसीजन आएंगे, क्योंकि ये ये जितने फैसले मौलाना इंडिविजुअली अगर करेंगे वो तो उनके स्वाब दीद पे हैं, लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है कि सारी पार्टीज़ की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इनको रखेंगे और उसमें रहबर कमेटी में रख के फिर फैसले होंगे, और अगर वो फैसले होते हैं तो उसमें मुस्लिम लीग नून भरपूर शिरकत करेंगे। लेकिन रहबर कमेटी और मुजाकराती कमेटीज के तो लगता है कि जो मामलात थे वो फेलियर का शिकार रहे, कोई पॉजिटिव रिजल्ट सामने नहीं आए। लेकिन यहाँ पर ज्ञान चंद साहब, क्या JUIF के जो प्लान बी में ताखीर का मामला है, क्या इसकी वजह यह भी है कि उनके इस प्लान बी में जो दूसरी सियासी जमातें हैं, नून लीग ले लें, पीपल्स पार्टी ले लें, वो उनके साथ खड़ी हुई नजर नहीं आ रही? आप लोगों की तवज्जो जो है वो कहीं और जा चुकी है, पीपल्स पार्टी की तवज्जो जो है वो जरदारी साहब की सेहत के मामले पर आ गई है, नून लीग जो है वो नवाज शरीफ साहब की सेहत पर कंसर्न है, तो क्या ये जो बाकी सियासी पार्टियां हैं उनकी तवज्जो कहीं और डाइवर्ट हो गई है, इसकी वजह से जो है फैसला? देखिए, आसिफ जरदारी साहब हमारी पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने उनकी सेहत के हवाले से हम यकीनन फिक्रमंद हैं। इसका मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि हम अवाम के जो मसाइल हैं उनको भुला चुके हैं। बिलावल साहब कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि राबता मुहिम पे निकले हुए हैं और लोगों को बता रहे हैं, जहां पे टमाटर 300 रुपए किलो हो जाएं, प्याज 100 रुपए किलो हो, खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हो, सेहत के जो है दवाइयां महंगी हो चुकी हो, वहां पे लोग धरने नहीं देंगे, रोड ब्लॉक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो ठीक है, उसूली मौकफ था कि धरना और लॉकडाउन करने के हम खिलाफ हैं, ये पार्टी का मौकफ था, लेकिन मैं जाती तौर पर इस हुकूमत ने हालात इस किस्म के पैदा कर दिए, लोगों को घर में बैठने के लिए सुकून उन्होंने छीन के रखा हुआ है। अब जब आपके घर का चूल्हा ही जलेगा तो आप क्या करेंगे? अब तो सूरत इस किस्म की बनी हुई है, मौलाना साहब की पार्टी का तो अपना फैसला होगा, जैसे हमारा तो यह है कि रहबर कमेटी क्या फैसला करती है या हमारे अपोजिशन की पार्टी क्या फैसला करती है। अगर सब ने मिलकर फैसला किया तो क्या क्या लोग अपने तौर पर ये रोड ब्लॉक नहीं कर देंगे? इमरान खान ने किन हालात में मुल्क को तबाह करके रखा हुआ है, अब अगर वो आगे चल रहे हैं तो दिन ब दिन पाकिस्तान जो है वो मसाइल में डूबता हुआ। यहाँ पर चौधरी अखलाक साहब, पहले तो ये आप टमाटरों के हवाले से जवाब दे दीजिएगा, टमाटर जो है वो मार्केट में 250 से 300 रुपए जो है पर किलो वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके हफीज शेख कहते हैं कि ये 17 रुपए किलो है टमाटर, ये इतना डिस्कनेक्ट, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनको कोई प्राइस ही सही बता दे, और अगर उनसे गलती होगी तो उसका आकर कुछ अजाला करना चाहिए, कुछ क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। और दूसरा, क्विकली अगर ये मौलाना के आजादी मार्च के हवाले से बात कर ले तो क्या मौलाना आप खुद मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्लान की उन्होंने बात की थी, प्लान बी की बात की थी, उस पर अमल दरामद करना उनके अपने लिए ये एक बड़ा चैलेंज इस वक्त बन गया? लेकिन ये मौलाना साहब का जो आजादी मार्च है उसमें सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि इन दोनों पार्टियों ने मौलाना साहब को आगे करके खुद भाग गए हैं। ये जाते हैं वो बस चाय पीने, एक तकरीर की, वापस आ गए, कंटेनर तक जाते हैं, वो भी अब इन्होंने जाना छोड़ दिया है। पहले 2-4 दिन गए हैं, अब मौलाना साहब और उनके लोग बेचारे बैठे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब का इस लिहाज से जो मौलाना साहब का आज़ादी मार्च है, जो भी पहले दिन हुकूमतें पाकिस्तान के साथ रहबर कमेटी के बैठ के साथ इस आज़ादी मार्च के हवाले से जो एग्रीमेंट किया था, मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब का दादी मार्च उस पैरामीटर्स में बिल्कुल ठीक है। एहतजाज उनका हक है, जमहूरियत में हर आदमी को हक है, हर पार्टी को हक है,
और मैं समझता हूँ लेकिन आप हमें हमारे शो का वक्त भी खत्म हो रहा है। अगर चलते चलते जो हमने अभी इससे पहले इशू रेस किया टमाटरों की प्राइस के हवाले से और ओवरऑल जो जनरल सब्जी है उसकी जो कीमतें हैं वो इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं और ऐसे में हम देखते हैं कि जो फाइनेंस एडवाइजर हैं उनका जो बयान आता है और उसमें वो जो प्राइस कोट कर रहे हैं टमाटर की 17 रुपए, कहाँ 300 और 250 रुपए और कहाँ 17 रुपए, ये इतना डिस्कनेक्ट क्यों नजर आ रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर का स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। और ये जो टमाटर और ये चीज़ें आप प्याज देख रहे हैं ये सारा पहले इंपोर्ट हो रही थी इंडिया से, हमने इन चीज़ों को स्टॉप किया है। वक्ती तौर पर शॉर्ट टर्म हमें प्रॉब्लम आएंगी, वरना ये जो लॉन्ग रन था ना ये हमने ख़त्म कर दिया है। ये जैसे जैसे इंपोर्ट्स ख़त्म होती जाएंगी आपके लोकल मैन्युफैक्चर, आपके लोकल किसान, आपके लोकल ग्रोअर जो है ना इस तरफ माइल होंगे। मैं आज सुबह की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ 3-4 जिम्मेदार बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे कि आज वो एक दो जगह देखने भी हम रिस्पॉन्स ले लेते हैं यहाँ पर। अगर डॉक्टर मजर हम टमाटरों के बदले डॉलर भेज रहे थे, हम टमाटर और प्याज के बदले में डॉलर बार भेज रहे थे जी। मजर इकबाल साहब जी, आप क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें। चौधरी अखलाक साहब वो बोल रहे थे तो महंगाई के हवाले से जो यहाँ पर इशू रेस किया गया है, क्या आपको लगता है कि जो इस वक्त महंगाई नजर आ रही है टमाटरों की प्राइस पर, कल पूरा दिन बहस होती रही है और फिर फाइनेंस एडवाइजर जो है वो उनके जहन में जो टमाटर की प्राइस होती है वो बड़ा डिस्कनेक्ट था, स्लिप ऑफ टंग कहा जा रहा है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो ओवरऑल महंगाई है वो दैट्स देयर, जो एक आम सब्जी एक इंसान घर में खाने के लिए इस्तेमाल करता है उसकी भी प्राइसेस जो है वो आसमान से बातें कर रही है, क्या फरमाइएगा? बिल्कुल, महंगाई का तो एक तूफान है, आपको पता है जब से पीटीआई की हुकूमत आई है महंगाई कितनी शर्रह से तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है और एक एक माह में 28% जो है वो महंगाई बढ़ी है हर चीज़ में। और आप ये देखें कि बिजली की आप देख लें कीमतें देख लें, आप पेट्रोल की कीमतें देख लें, आप जो है सारी जो यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो महंगी हुई हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मजर इकबाल साहब, शाहिदा अख्तर अली साहिबा, चौधरी अखलाक साहब और सेनेटर ज्ञान चंद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, जो अहम फैसला आज सामने आया है कि नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालने की जो मशरूत मंजूरी दी गई है उसके लिए नवाज शरीफ साहब को जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं वो जमा करवाने होंगे। अब 9:30 तक हमारे सामने पोजिशन जो है वो कुछ क्लियर होती हुई नजर आएगी। कल हम सेम टाइम दोबारा हाजिर होंगे और डिस्कशन को अपने लेकर आएंगे जो आगे की डेवलपमेंट्स होंगी। आज के लिए इतना ही, सी ऑल टुमारो नाइट, अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।